नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अध्याय को पढ़ने से पहले कुछ दोहराई कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसके उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न, हम जो पोशाक पहनते हैं वह किस प्रकार बनती है? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है कि हम जो पोशाक पहनते हैं वह वस्त्रों से बनती है और वस्त्र रेशों से बनता है। अगला प्रश्न यह उठता है कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, रेशे दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के बारे में बता सकते हैं या कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? तो बच्चों, हाँ, ये जवाब सही है। ऊन, कपास, पटसन और रेशम प्राकृतिक रेशे हैं। आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम रेशों के बारे में। बच्चों, आज के अध्याय में हम सीखेंगे संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशों के प्रकार और गुणधर्म, प्लास्टिक और पर्यावरण। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। बच्चों, अब आप एक चित्र देख पा रहे हैं। जो चित्र आप देख पा रहे हैं उसमें आप देखते हैं कि कुछ कागज के क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाई गई है। इसी तरह एक संश्लेषित रेशे में भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर लंबी श्रृंखला बनी होती है। अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जो कि बहुलक कहलाती है। इसे अंग्रेजी भाषा में पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली और मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए कपास। कपास एक बहुलक है जिसे सेलुलोज कहा जाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। बच्चों, अब हम संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में जानेंगे, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। सबसे पहले जान लेते हैं रेयॉन के बारे में। रेशों में सबसे पहला प्रकार है रेयॉन, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। और
लेकिन इसकी महंगी कीमत और ज़्यादा रखरखाव के कारण रेशम को बनावटी रूप से बनाने की कोशिश की गई। वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी से रासायनिक उपचार करके प्राप्त किया, जिसे रेयॉन कहा गया, जिसमें रेशम के गुण पाए जाते हैं। इसी कारण इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। रेयॉन एक मानव निर्मित रेशा है जो कि रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम के समान बुना जाता है। रेयॉन कई रंगों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे भी बनाए जाते हैं। बच्चों, अब हम संश्लेषित रेशों के दूसरे प्रकार नायलॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और घुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे इत्यादि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के हेतु रस्सों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। एक नायलॉन की तार इस्पात की तार से अधिक प्रबल होती है। बच्चों, अब हम संश्लेषित रेशों की तीसरी प्रकार यानी कि पॉलिएस्टर के बारे में जानेंगे। पॉलिएस्टर एक रसायन है जो कि एस्टर की पुनरावृत्ति से बनता है, यानी एस्टर की इकाइयों को बार बार दोहराने से पॉलिएस्टर बन जाता है। पॉलिएस्टर से निर्मित कपड़े जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि के नामों से प्रचलित हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है और पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। इस रेशे से कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती और यह आसानी से धुल भी जाता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे ऊन या सूती धागे के साथ मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है। टेरिलीन का प्रयोग कपड़ा उद्योग में साड़ियाँ या पहरावे के लिए और कपड़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। आपने अपने घर में देखा ही होगा कि खाने वाले पदार्थों के भंडारण के लिए पेट यानी PET के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के लिए किया जाता है। बच्चों, अब हम जानेंगे एक्रिलिक के बारे में। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं या कंबल का प्रयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में ऊन से निर्मित नहीं होते। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें एक्रिलिक कहा जाता है। एक्रिलिक सस्ते होते हैं और साथ ही साथ टिकाऊ भी होते हैं और ऊन से काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। एक्रिलिक अनेक रंगों में भी उपलब्ध होते हैं। बच्चों, अब हम संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। संश्लेषित रेशे बहुत मजबूत होते हैं। अगर हम संश्लेषित रेशे और सूती रेशों के तार बनाएं तो सूती रेशा जल्दी ही टूट जाएगा। अर्थात अगर हम संश्लेषित रेशे की तार लें और सूती रेशे की तार लें और दोनों को बराबर बल लगाकर खींचें तो सूती रेशा जल्दी टूट जाएगा। संश्लेषित रेशों को सूती रेशे के मुकाबले में कम सिलवटें पड़ती हैं। अगर हम संश्लेषित रेशे से बने कपड़े और सूती रेशे से बने कपड़े को अलग अलग बाल्टियों में भिगोएं तो हम देखेंगे कि संश्लेषित रेशे वाली बाल्टी में ज़्यादा पानी है। इससे पता चलता है कि संश्लेषित रेशे सूती रेशों की तुलना में कम पानी सोखते हैं और जल्दी ही सूख जाते हैं। यह कपड़े भार में भी हल्के होते हैं। संश्लेषित रेशे से बना कपड़ा सूती कपड़े के मुकाबले ज़्यादा नर्म होता है। संश्लेषित रेशे से बने कपड़ों को कीट भी नहीं लगता
और इसी कारण इसको संभालना भी सरल है। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध भी होते हैं। ये अनेक रंगों में मिल जाते हैं और चिरस्थायी होते हैं। बच्चों, अगली जानकारी जो हम लेने वाले हैं वह है प्लास्टिक के बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने घर में प्लास्टिक की कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं? तो आप देखते हैं कि आपके घर की कुर्सियाँ, बाल्टी, खिलौने और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो प्लास्टिक से बने हैं। बच्चों, संश्लेषित रेशों की ही तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। वह छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है। ये इकाइयाँ कुछ प्लास्टिकों में रेखीय तो कुछ में क्रॉसबद्ध होती हैं। प्लास्टिक को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और PVC थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता या इन्हें दूसरा रूप नहीं दिया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसका प्रयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे और फर्श की टाइलें बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रकार है मेलामाइन। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है व इसमें ऊष्मा सहने की क्षमता होती है। इसका प्रयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और दमकल कर्मियों के सूट बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों, अब हम प्लास्टिक के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आजकल की जिंदगी में प्लास्टिक का उपयोग बहुत बढ़ गया है? चाहे हम घर पर हों या बाहर हों, हम चारों ओर प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को देखते हैं। आओ सबसे पहले हम प्लास्टिक के कुछ गुणधर्मों के बारे में विचार करें। हम जानते हैं कि धातु की वस्तुएं नमी की उपस्थिति में जंग खा जाती हैं, परंतु प्लास्टिक वायु और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए प्लास्टिक को अक्रियशील भी कहा जा सकता है। प्लास्टिक को जंग नहीं लगता, इसी कारण इसका उपयोग कई सारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग रसायनों के भंडारण और अनेक पदार्थों के भंडारण के लिए किया जाता है। हम प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे बाल्टी, कुर्सी, कंघी और बोतल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक मजबूत और चिरस्थायी होता है और साथ ही साथ सस्ता भी पड़ता है, हम इसका अत्यधिक प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, इसी कारण बिजली की तारों के ऊपर चढ़ा प्लास्टिक का खोल होता है। पेचकस के हैंडल प्लास्टिक के बने होते हैं। धातु के बर्तनों को आपने देखा होगा, उनके हैंडल भी प्लास्टिक के बने होते हैं, यानी कि धातु के ऊपर प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है। इन सभी गुणों के कारण प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल साथ ही साथ कारों, जहाजों और अंतरिक्षयान में भी किया जाता है। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक हल्की होती है। आइए अब हम पदार्थ के दो रूपों के बारे में विचार करते हैं। एक रूप है जैव निम्नीकरणीय और दूसरा रूप है जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण हैं कपास या पटसन से बने थैले और कागज के बने थैले। यदि आप जैव अनिम्नीकरणीय वस्तुओं का उदाहरण लें तो प्लास्टिक और धातु की वस्तुएं जैव अनिम्नीकरणीय हैं। आइए एक सारणी को देखते हैं जिसमें अपशिष्ट के प्रकार और विघटित होने में लगे समय के बारे में बताया गया है। अपशिष्ट के प्रकार और अपशिष्ट के अपघटित होने में लगा समय। यहाँ सबसे पहले दिखाया गया है सब्जी और फलों के छिलकों को, जिसको अपघटित होने में 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। कागज
कागज को अपघटित होने में 10 से 30 दिन लगते हैं। यदि हम सूती कपड़ा लें तो उसे 2 से 5 माह लगते हैं। यदि लकड़ी की बात करें तो उसे अपघटित होने में 10 से 15 वर्ष लगते हैं। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में अपघटित हो जाता है। टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे लगभग 100 से 500 वर्ष तक अपघटित होते हैं। यदि हम बात करें प्लास्टिक की थैलियों के बारे में तो इन्हें अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। धातु के डब्बे या धातु के पदार्थ और प्लास्टिक की थैलियाँ दोनों ही जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि पर्यावरण पर प्लास्टिक का क्या प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों, जब हम घरों में ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो घरों में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। इस तरह प्लास्टिक का निपटारा बहुत ही बड़ी समस्या बनता जा रहा है। प्लास्टिक को अपघटित होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, ये हम देख ही चुके हैं, जिस कारण ये पर्यावरण के प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन गया है। जब पर्यावरण में फैला हुआ प्लास्टिक पक्षियों और जानवरों द्वारा खा लिया जाता है तो यह उनकी पाचन क्रिया में शामिल हो जाता है और इस प्रकार यह पक्षियों और जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और उनकी जान भी खतरे में पड़ रही है। जब यह प्लास्टिक नदियों और नहरों में चला जाता है तो जल के जीव इसके संपर्क में आ जाते हैं और उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कई बार इन प्लास्टिक के टुकड़ों को या थैलियों को जब वे निगल लेते हैं तो उनकी मौत भी हो जाती है। उद्योगों में भी बहुत सारा प्लास्टिक का कूड़ा करकट पैदा किया जा रहा है जो कि मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी संदूषित हो रही है। प्लास्टिक भूमि में जल धारण करने की क्षमता को भी घटाता है और जल के रिसाव को रोकता है। बच्चों, इन समस्याओं को हम कैसे हल कर सकते हैं? प्लास्टिक पूरे विश्व के लिए एक संकट बन चुका है। तो बच्चों, हम प्लास्टिक के इस कचरे को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? आप जब भी बाजार जाते हैं तो बाजार से जो सामान लाते हैं वो प्लास्टिक की थैलियों में लाते हैं। तो हम आज से ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हम बाजार जाएं तो पटसन और कागज के बने थैलों में ही सामान लाएं और घर से अपना थैला लेकर ज़रूर जाएं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो भी हमारे पास प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनका हम बार बार इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के निपटारे के लिए आप 4 R के सिद्धांत को समझिए। यहाँ 4 R दर्शाते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिकवर और रिसाइकल को। रिड्यूस का अर्थ है उपयोग कम करें, रीयूज का अर्थ है पुनः उपयोग करें, रिकवर का अर्थ है पुनः प्राप्त करें और रिसाइकल का अर्थ है पुनः चक्रित करें। तो बच्चों, हम जो भी प्लास्टिक का सामान है उसका उपयोग पहले तो कम करेंगे। दूसरी बात, अगर हमारे पास प्लास्टिक की वस्तुएं हैं तो हम उन्हें पुनः उपयोग में लाएंगे और उन्हें पुनः प्राप्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें पुनः चक्रित भी किया जाए। बच्चों, अब हम इस अध्याय की दोहराई कर लेते हैं। मानव द्वारा बनाए गए रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाता है। कई संश्लेषित रेशों की छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी एकल इकाई बनती है जिसे बहुलक कहा जाता है। रेयान प्राकृतिक रेशम का बदला हुआ रूप है जिसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। पॉलिएस्टर एक रसायन है जो एस्टर की कई इकाइयों से मिलकर बना है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, सस्ता, चिरस्थाई और बिजली का कुचालक है। प्लास्टिक से उत्पन्न कूड़ा करकट पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। आशा करता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर पूरे अध्याय को ध्यान से समझने के बाद आपको आते ही होंगे। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशे कौन कौन से हैं चुनिए। नायलॉन, ऊन, रेयान, कपास। तो बच्चों, इनमें से नायलॉन और रेयान दोनों मानव निर्मित रेशे हैं। टेरेलीन एक प्राकृतिक रेशा है, बताइए कि यह सही है या गलत। सही जवाब है कि यह गलत है।
टेरिलिन एक कृत्रिम रेशा यानी कि संश्लेषित रेशा है। कपास एक क्या है? पॉलिएस्टर, बहुलक, एक्रिलिक या रसायन? कपास एक बहुलक है। पॉलिएस्टर में इस्तेमाल की गई इकाई का नाम बताइए। पॉलिएस्टर में इस्तेमाल की गई इकाई का नाम है एस्टर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है बैकेलाइट और मेलेमाइन। बैकेलाइट का प्रयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे बनाने के लिए किया जाता है, वहीं मेलेमाइन का प्रयोग फर्श की टाइलें और दमकल कर्मियों के सूट बनाने के लिए किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक के कोई दो उदाहरण दीजिए, पॉलीथीन और पीवीसी। इनमें से किसे अपघटित होने में सबसे अधिक समय लगेगा? ऊनी वस्त्र, लकड़ी, प्लास्टिक की थैली या सूती कपड़ा? इसका उत्तर बहुत सरल है, प्लास्टिक की थैली को अपघटित होने में सबसे अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न, चार आर में ये चारों आर क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं रिड्यूस यानी कि कम उपयोग करिए, रीयूज यानी कि दोबारा उपयोग करिए, रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रित कीजिए, रिकवर यानी कि पुनः प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, इन चार आर को आपको हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न, प्लास्टिक की थैलियों का क्या विकल्प हो सकता है? तो बच्चों, प्लास्टिक की थैलियों की जगह आप कपास या जूट के बने बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपने अध्याय को बहुत ध्यानपूर्वक समझा होगा और हमने आज जाना कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है और यह किस प्रकार से पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। तो बच्चों, आप प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे और विश्व को प्लास्टिक से निजात दिलाने में सहायता करेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।